Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about compound comparison, which is on the page number 130, chapter number 5, conditional structure. A type of comparison in which more than one condition are evaluated is called compound comparison. यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ एक condition के base के ऊपर decision नहीं करेंगे, more than one conditions का use करेंगे, ठीक है? और उन conditions के ऊपर हम लोग decide करेंगे, या फिर एक से ज़्यादा conditions को check किया जाएगा. इसको हम लोग usually implement करते हैं logical operators को use करके, ठीक है? For example, एक दो numbers user से हम enter करवाते हैं और उन numbers को check करते हैं. फर्स्ट नंबर क्या है, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए. सेकंड नंबर क्या है, लेस देन 100 होना चाहिए. यानी कि दो कंडीशन सिमल्टेनियसली चेक की जा रही हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की जाए तो कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है. सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो एंड ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू ट्रू व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी केसेस में एंड ऑपरेटर फॉल्स ही होगा. ठीक हो गया. यानी कि अगर ए इज इक्वल टू 100 है, बी इज इक्वल टू 50 है, ठीक है? अब ए की वैल्यू क्या 10 से ग्रेटर है? यस. बी की वैल्यू क्या 10 से ग्रेटर है? यस. यानी कि दोनों कंडीशंस अब ट्रू हैं, तो ये कंडीशन, ये हमारे पास जो ओवरऑल स्टेटमेंट है या ओवरऑल हमारे पास कंपाउंड कंपैरिजन है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज अगर मैं ए की वैल्यू कर देती हूँ 6, ठीक है, तो 6 क्या 10 से ग्रेटर है? फॉल्स. और बी की वैल्यू वही रहेगी 50, 50 इज़ ग्रेटर देन 10, डेट इज़ ट्रू. फॉल्स और ट्रू मिलके क्या बना देंगे, ओवरऑल इक्वेशन को फॉल्स कर देंगे. ओवरऑल आपकी जो आंसर है उसको फॉल्स कर देंगे. तो आप लोगों को मेरे ख्याल से तो मैथ्स में भी ये चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस की होंगी इन ऑपरेटर्स के बारे में. अब हमारे पास है और ऑपरेटर. और ऑपरेटर वैल्यूएट्स टू ट्रू व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू. दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो हमारे पास जो और ऑपरेटर का रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा. टेबल से साफ जाहिर है, फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है हमारे रिजल्ट को, ठीक है? यानी कि अगर हम लोगों की कोई कंडीशन वैल्यूएट्स टू ट्रू हो रही होगी, मतलब कि कंडीशन ट्रू हो रही होगी, तो नॉट ऑपरेटर की वजह से वो कंडीशन हमारी फॉल्स कंसिडर की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास 100 है, 100 है, और बी हमारे पास 50 है. ए इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है? यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी. अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो अगर मैं इसके बाहर नॉट लगा दूंगी तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. बात क्लियर होगी. अब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों ने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को चेक करना होता है, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. उसके लिए आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स दिए हैं, प्रैक्टिस प्रोग्राम, ताकि आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये देख सकें. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है आपके पास, प्रोग्राम नंबर 1-3. राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश. इट डिस्प्लेज यू आर सेलेक्टेड इफ बोथ मार्क्स आर अबव 80. इट डिस्प्लेज यू आर नॉट सेलेक्टेड अदरवाइज. मतलब कि दूसरे केस में क्या हो कि ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाए कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन इस केस में अगर तो दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाए कि आप सेलेक्टेड हो. तो उसके लिए आप कोड विंडो में देखें, वही मैकेनिज्म है कि प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है, उसके बाद एक बटन लगा दें, बटन के डबल क्लिक के ऊपर कोड विंडो ओपन होगी. कोड विंडो के ऊपर देखें तो हमारे जो मेन कोड है वो इस कोड विंडो के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है? तो अब कोड पे डायरेक्टली आते हैं. तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है? और उनको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मैथ्स में मैथ्स के नंबर सेव करवा लेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के नंबर सेव करवा लेंगे, जो कि यूज़र से इनपुट बॉक्सेज में हम लोग लेंगे, ठीक है? अब मैथ्स के बाद जो है एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है? इनपुट बॉक्स क्या करेगा, यूज़र से मैथ्स के मार्क्स लेगा, ठीक है? और दूसरा जो इनपुट बॉक्स है वो इंग्लिश के मार्क्स ले लेगा यूज़र से. ठीक हो गया. इफ़ मैथ्स इज़ ग्रेटर देन 80 एंड इंग्लिश इज़ ग्रेटर देन 80. अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे बात की जाती है बोथ मार्क्स आर अबव, ठीक है? यानी कि दोनों का कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, ताकि हम लोग ये मैसेज डिस्प्ले करवा सकें, यू आर सेलेक्टेड.
एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, ये एंड ऑपरेटर तब भी यूज़ होता है जब हम लोगों ने रेंज चेक करनी होती है, यानी कि हमने कहा फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 से लेके 100 के दरमियान है तो ये रेंज है ना 1 से लेके 100 तक की, तो ये रेंज चेक करने के लिए भी एंड का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह की कोई सिनेरियो आया, कोई इस तरह की एग्जाम्पल आई, तो तब भी आप लोगों को याद रहे कि आपने एंड ऑपरेटर ही यूज़ करना है, ANDED। अब यहाँ पर मैकेनिज़म देखें कि हमने कंडीशन लगाई, एक कंडीशन तो मैथ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, एंड एंड कीवर्ड लिख दिया, एंड कीवर्ड लिखने के बाद क्या है, इंग्लिश इज़ ग्रेटर देन 80, और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट की जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई देन जो मैसेज बॉक्स है इस तरह के डिस्प्ले किया जाएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा यू आर सिलेक्टेड, और अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। बात क्लियर हो गई, इस तरह से ये एग्जांपल थी आपकी कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके। इसके बाद आप लोगों के पास 5.14 एग्जांपल है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ आप लोगों को मतलब कि कंडीशंस दी गई हैं, मतलब कि इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इफ़ देन एल्स, या इसको एक्सटेंडेड इफ़ देन एल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करके एक मतलब कि प्रोग्राम किया गया है। इसके बाद आप लोगों के पास 5.14 है, इसमें भी आप लोगों के पास कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, एक्सटेंडेड इफ देन एल्स का नो डाउट यूज़ किया गया है, और लास्टली आप लोगों के पास जो प्रोग्राम है उसमें भी उसमें सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, और मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दो कंडीशंस लगानी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस लगाई गई हैं आफ्टर द इफ़ कीवर्ड, अगर आप लोगों को पेज नंबर 133 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक था आपका कंपाउंड कंपैरिजन का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर।